अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज भी लेसन जो है ग्रेड फाइव के लिए है। आज लेसन थ्री है आपका। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये अप टू वन कैरब। ठीक है, आपको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू पता है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल में जब आप करते हैं तो आपकी हर टेबल जो आप बनाते हैं वो थ्री डिजिट्स की होती है, यानी हर जो टेबल में यूनिट 10, 100 होता है, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 यानी थ्री, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो ये थ्री थ्री का गैप होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप पाकिस्तानी वैल्यू लिखते हैं तो वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यूनिट 10, 100 तक हम सेम चलते हैं एज इंटरनेशनल, और उसके बाद से हमारी टेबल जो है चेंज हो जाती है। 1000 में भी 2 आपके पास नंबर्स होते हैं, इसके अलावा लैक्स में भी 2 होते हैं, करोड़ में भी 2 होते हैं, अरब में भी होते हैं और खरब में भी होते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो टेबल है वो इस तरह से बन जाती है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, देन खरब 10 खरब। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यूज़ बन जाती है। इसको पढ़ना इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको वैसे तो याद ही है, इंटरनेशनल आप लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ी है और पाकिस्तानी भी आप लोगों ने कवर कर लिया था क्लास 4 में। 5 में ये एक्सपेंड हो गया है, आपने लैक तक पढ़ा था क्लास 4 में, अब इसमें करोड़, अरब और खरब भी आ गया है। इसको पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होती हैं। ये आपको पता है क्या लिखा है, ये लिखा है 53, तो ये हो जाएगा 53,000। ये लिखा है 21, तो ये 21 हो जाएगा लैक्स। ये 9 लिखा है, ये करोड़ है। ये 95 है, ये अरब है। और ये 87 है, ये खरब है। तो इस तरह इसको पढ़ना बहुत आसान होता है। आपके पास यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपको कॉमास लगाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है चेक किया जा रहा होता है कि आपको ये चीज़ याद है, याद भी है या नहीं, कि इंटरनेशनल में और पाकिस्तानी में फ़र्क क्या होता है। तो इंटरनेशनल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 10, 100 तक सेम रहते हैं, ये वाली टेबल सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगता है टू डिजिट्स के बाद, ये होता है आपका 1000, फिर 2 के बाद लगेगा, ये है आपका लैक्स, उसके बाद फिर 2 लगेगा और ये है करोड़, और ये जो 2 बच गए हैं बाकी, ये है आपका अरब। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में भी हम देखेंगे कि 1, 2, 3 पूरे 3 डिजिट आपने छोड़ दिए, उसके बाद 2 और 2 का और 2 के बाद दोबारा से हम कॉमा लगाएंगे और हर 2 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लग जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कभी वो इस साइड से कॉमा पुट करना शुरू करते हैं, तो आप जब भी इस साइड से कॉमा पुट करना शुरू करेंगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने कॉमाज हमेशा राइट हैंड साइड से लगाने होते हैं, हमेशा यूनिट 10, 100 को आप छोड़ देते हैं, उसके बाद से आप कॉमा लगाना शुरू करते हैं। इंटरनेशनल में भी और पाकिस्तानी में भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कीजिएगा। यूनिट 10, 100 को ड्रॉप कर दें, ठीक है, पूरे 3 डिजिट को छोड़ के क्या कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2, 2, 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, जब तक अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट आपके साथ किसी लेसन को लेकर आएंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।